से हम जो है अपने अवार्ड की तरफ चलते हैं। मैं फिर से गुजारिश करूंगा मनीष पाटिल साहब को, मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चों की आप हौसला अफजाई फरमाएं। राबिया गर्ल्स हाई स्कूल के एचएम और उसके स्टाफ से गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ लाए। राबिया गर्ल्स हाई स्कूल के एचएम तबस्सुम बाजी, उनका पूरा स्टाफ यहाँ अगर है तो यहाँ तशरीफ लाएं। मोमिन मंतशा मसूद, हाँ मुकीम सर भी है राबिया से। नहीं दरअसल राबिया गर्ल्स हाई स्कूल की वजह से मैं मुकीम सर को भूल जाता हूँ। मोमिन मंतशा मसूद अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। आइए अब्दुल जब्बार भाई से भी गुजारिश है। सबा सलीम आइए आप भी। सबा सलीम राबिया गर्ल्स हाई स्कूल से तालिबा। इसके बाद विवर्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, इसका स्टाफ अशाइस्ता मिज साहब से भी गुजारिश है। इनके बाद शुक्रिया विवर्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल स्टाफ शुक्रिया तबस्सुम मिस साहब का बहुत बहुत मुबारक आपके स्कूल को। विवर्स इंग्लिश हाई स्कूल सर मनीष पाटिल सर एक मिनट और बस। विवर्स इंग्लिश हाई मीडियम हाई स्कूल उसका स्टाफ भी आ जाए और लोग अगर हैं तो मुबारक हो बहुत आपको। अंसारी तौसीफ मोहम्मद अली, मनीष पाटिल सर से गुजारिश है यहाँ सर को ऐसे बीच में आने दीजिए आप। अंसारी तौसीफ मोहम्मद अली, तालियां नहीं बज रही है, आप डरिए बिल्कुल मत। अगर आपने ताली नहीं बजाई तो गेट खुलेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरवाजे खुलेंगे और आपको जाने मिलेगा। अंसारी आसिफ मोहम्मद अली आइए आप भी। तौसीफ मोहम्मद अली आसिफ दोनों भाई है क्या? अरे वाह माशाल्लाह मुबारक, दोनों भाई है देखिए। अंसारी आसिफ मोहम्मद अली, अच्छा जुड़वा है, दोनों ट्विंस है। इनकी मार्कशीट भी ट्विंस है क्या, अलग अलग कुछ नंबर आते? आइए ग्रुप फोटो हो जाए। इस स्कूल के सीआरसी भी यहाँ मौजूद है नसीर सर, आइए ना आप भी। शुक्रिया आप तमाम का, शुक्रिया मनीष पाटिल साहब। मैं इमरान भाई से गुजारिश करूंगा, नहीं नहीं आप आइए ना, और हमारे पास बहुत अवार्ड है, हमारे अब्दुल जब्बार भाई कमी नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद इंग्लिश हाई स्कूल के स्टाफ अगर मौजूद है, पाल सर स्वामी विवेकानंद इंग्लिश हाई स्कूल इसका स्टाफ, इसके एचएम तो हैं, स्टाफ अगर है तो पाटिल हर्षल विठल। मैं आपको बता दूं
हर्षल ने जो है पूरी भिवंडी में सेकंड पोजीशन हासिल की है। इसके बगैर से क्या हो रहा है? शेख वामिक अबू दाऊद, अबू वदूद, शेख वामिक अगर हैं तो आ जाएं। शेख वामिक के वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार भाई भी फ्रेम में आ जाएं। खान फैजान अहमद स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल से, खान फैजान अहमद अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी अगर आए हुए हैं तो। स्वामी विवेकानंद से ही शेख आफीफा, शुक्रिया। हो गया? नहीं हो गया। इसमें एक ग्रुप फोटो आ जाइए ना। विठल पाटिल सर आइए। शुक्रिया, आप तमाम का शुक्रिया इमरान भाई। इसी दौरान भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट से सीआरसी नंबर 10 नसीर सर यहाँ तशरीफ लाए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा अब्दुल जब्बार साहब से और इकबाल सिद्दीकी साहब से कि नसीर सर की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। नसीर सर आगे आ जाइए। भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की डैशिंग पर्सनैलिटी शेख नसीर सर सीआरसी नंबर 10, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच में अभी अभी भिवंडी शहर के एक बहुत अच्छे समाज सेवक जो लगातार पिछले कितने सालों से सर 15 साल से आबा साहब चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो स्टूडेंट को करीब 8,000 बुक्स, उनको कॉपी नोटबुक फ्री में देते हैं 150 पेज की, वो भी वो हमारे बीच में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं जब्बार भाई और एडवोकेट अरबाज से गुजारिश करूंगा कि कुमार फड़तरे साहब का आप स्वागत करें, जोरदार तालियों से उनका हौसला बढ़ाएं कि वो अगले साल 16,000 नोटबुक बांटे कम से कम। तो आइए कुमार साहब आगे आइए। कुमार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्वामी विवेकानंद पर ज्यादा जाते शुक्रिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हमारे दरमियान हम सिर्फ जो है बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करते सर इस मंच पर, इस मंच पर वो लोग जिन्होंने कुछ
काम किया है, बहुत मजबूर थे लेकिन फिर इस फील्ड में आए और उन्होंने काम किया, अपना नाम रोशन किया, भिवंडी शहर का नाम रोशन किया। ऐसे लोगों की भी यहाँ हौसला अफजाई होती है। एक हमारे एडवोकेट साहब है जिन्होंने पहले BSc किया, MBA किया, फिर 7 साल बाहर चले गए, फिर वापस आए, यहाँ पर स्ट्रगल किया और फिर उसके बाद उन्होंने जो है एडवोकेट BA LLB क्लियर किया और एडवोकेट की डिग्री हासिल की। मैं गुजारिश करूँगा एडवोकेट अब्दुल कादिर न्याज सिद्दीकी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ। न्याज सिद्दीकी साहब से भी गुजारिश है आप भी यहाँ तशरीफ लाएँ। और एक ख़ास बात ये बता दूँ कि ये ह्यूमन राइट्स के वाइस चेयरमैन इकबाल सिद्दीकी साहब के छोटे भाई हैं, इनकी खिदमत में भी फूलों का नजराना, इनकी हौसला अफजाई। इन्हीं के साथ एडवोकेट नादिर शेख साहब यहां तशरीफ रखते हैं। एडवोकेट नादिर शेख साहब, इन्होंने भी इन साल ही BA LLB को क्लियर किया और एडवोकेट हुए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पाटिल साहब, आपके हम बेहद ममनून मशकूर हैं। अब्दुल कादिर साहब से गुजारिश है कि मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, ज़्यादा वक्त नहीं आपका लेंगे, बस प्रोग्राम जो है इख्तिताम पर है, कुछ ही बच्चे बाकी रह गए हैं। लेकिन भाई सर बहुत बहुत शुक्रिया ये अवार्ड देने के लिए मुझे नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन की तरफ से। मैं आपसे बहुत छोटी सी अपना जो मेरी जर्नी उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि मेरी MBA की पढ़ाई होने के बाद मैं दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जॉब पे लगा। वहाँ पे तो एक लाइफ सेटल लाइफ दिख रही थी लेकिन मुझे हमेशा ये ख्याल आता था कि मैं अपनी सोसाइटी अपने समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ, जिस मैं अपना इकोनॉमिक अपना खुद का फाइनेंस सही कर रहा हूँ मैं और बाकी मेरा सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आज से 4 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर मेंशन था कि ऐसे हज़ारों की तादाद में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं, मतलब बार बार क्राइम नहीं करते हैं, बहुत छोटा सा क्राइम करते हैं उसकी वजह से वो जेल के अंदर मौजूद हैं और उनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है और बहुत मामूली सी जो ज़मानत की रकम होती है फ़ीस नहीं दे पाते हैं या किसी वकील की फ़ीस नहीं दे पाते हैं तो उनको ज़मानत नहीं मिलती है, वो जेल के अंदर ही रहना उनको पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं ये कुछ ये एडमिशन लेता हूँ, लॉ की डिग्री कंप्लीट करता हूँ मैं और एक ट्रस्ट के ज़रिए मैं इसको मैं जोड़ के इस पर काम करूँगा मैं और हम 4-5 दोस्त लोग हैं, हम लोगों ने लॉ फर्म जो बनाया अपना उसमें ये भी एक एक्टिविटी उसकी रहेगी इसमें। और दूसरा मैं जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं और आप लोग की जर्नी अभी ख़त्म नहीं अभी स्टार्ट हुई है और आप लोगों के लिए मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर हाजिर करूँगा कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। थैंक यू, शुक्रिया एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा कुमार साहब से, आप तशरीफ लाएं। नहीं आपको बोलना, आप आइए, हमारे बच्चों को आप हौसला अफजाई फरमाएं। रफीउद्दीन फक्की हाई स्कूल का स्टाफ और मैं गुजारिश करूंगा शब्बीर फारूकी साहब से भी कि आप भी यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। रफीउद्दीन फक्की हाई स्कूल का स्टाफ यहाँ मौजूद है, जफर जामई साहब, अंसारी अब्दुल्ला मुमताज़ अहमद, अब्दुल्ला मुमताज, अंसारी अब्दुल्ला मुमताज, कुमार साहब के हाथों अंसारी अब्दुल्ला मुमताज की हौसला अफजाई। अब्दुल जब्बार भाई, लोग ऊपर जाते हैं। इसके बाद अंसारी
समी अनीस। अब्दुल्ला रुकिए, एक फोटो सेशन होगा। अंसारी समी अनीस, अब्दुल जब्बार भाई से भी गुजारिश है कि आप फोटो फ्रेम में यहाँ तशरीफ लाएं। एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपने सजाया है। शेख अयान अफजल रफीदीन फक्की हाई स्कूल के तलबा, जिन्होंने 10वीं में टॉप पोजीशन हासिल की, शब्बीर फारूकी साहब उनके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत मुबारक। अंसारी अयान अफजल, शेख अयान अफजल, एक एक ग्रुप फोटो हो जाए। कौन? मैं और आपको एक बात बता दूं कि अंसारी अब्दुल्ला मुमताज, इसने पूरी भिवंडी शहर में टॉप पोजीशन हासिल की है। शब्बीर फारूकी साहब, जफर जैमी जामी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। कुमार साहब, 2 मिनट और, एक स्कूल और है, बच्चे चाहते हैं आपका आशीर्वाद लेना। नई बस्ती मराठी स्कूल, उसका स्टाफ अगर मौजूद है, नई बस्ती, उनका नाम क्या है? नई बस्ती भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल है। पूजा, पूजा तातिया, इमरान भाई से भी गुजारिश है आप भी ज्वाइन हो जाएं, आपका ही एरिया है इमरान भाई। नसीर सर हमारे सीआरसी है वहाँ के, उनसे भी गुजारिश है आप भी ज्वाइन हो जाए नसीर सर। पूजा तातिया, नई बस्ती मराठी हाई स्कूल, 81 पॉइंट इन्होंने हासिल किया है, भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाई स्कूल से है ये। इसके बाद है मोहिते सुप्रिया शंकर, है अगर तो आप आ जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ आइए। इसके बाद है उबाले सुधा राजू, है अगर, वाले सुधा राजू, कुमार साहब, इमरान भाई, नजीर शेख साहब के हाथों इस बच्ची को जो है, इस बच्ची की हौसला अफजाई। आपन तिकड़े इकड़े या आपन एक फोटो सेशन करूं। शुक्रिया आप तमाम का। मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विजय कामले सर से कि आप प्लीज आप हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें। इकरा हाई स्कूल, इसका स्टाफ एचएम अगर मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, इकरा, इकरा हाई स्कूल, खान सना मोहम्मद अनीस, इकरा स्कूल से अगर कोई है तो यहां तशरीफ लाएं। खान सना मोहम्मद अनीस। इसके बाद शेख तस्मिया बिलालुद्दीन, इकरा हाई स्कूल,
खान सना मोहम्मद अनीस, इसके बाद शेख तस्बीया बिलालुद्दीन, इसके बाद शेख तस्मिया बिलालुद्दीन, डॉक्टर कामले साहब के हाथों बच्चे की हौसला अफजाई, इसके बाद बाबे जैनब शगफ, अपने पेरेंट्स के साथ आए आप, मैं गुजारिश करूँ। शुक्रिया कमले साहब आपका बहुत बहुत तबस्सुमबाजी से गुजारिश है, आप यहाँ तशरीफ लाएं, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें। स्कूल है भिवंडी निज़ामपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उर्दू स्कूल नंबर 68, इसके स्टाफ इसके HM यहाँ मौजूद है, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लाएं आगे। इसके CRC नसीर साहब से भी गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएं। 14 खुशनाज अब्दुल रहीम, तालियां नहीं बजा रहे हैं लोग। इसके बाद अंसारी इरम मोहम्मद हनीफ, पेरेंट्स के साथ आप अपने वालदैन के साथ तशरीफ लाएं। अंसारी इरम मोहम्मद हनीफ, अंसारी इरम मोहम्मद हनीफ, BNCMC उर्दू स्कूल नंबर 68, इसके मुख्य अध्यापक अंसारी शबनम, तबस्सुम मिस राबिया गर्ल्स KHM के हाथों हौसला अफजाई इस बच्ची की। इसके बाद शेख तबस्सुम इसहाक, शेख तबस्सुम इसहाक, आइए इसके पेरेंट्स इसके वालदैन अगर मौजूद हैं तो आए। बस आपका थोड़ा सा हम वक्त लेंगे, एक आखिरी स्कूल हमारा रह गया है। शुक्रिया शुक्रिया नसीर सर तबस्सुम मिस। मैं गुजारिश करूंगा शब्बीर फारूकी सर से कि आप तशरीफ लाएं। KGN हाई स्कूल के अगर स्टाफ मौजूद है, KGN हाई स्कूल, KGN हाई स्कूल के स्टाफ अगर मौजूद है तो यहाँ तशरीफ लाएं। राइन शिफा इकबाल, राइन शिफा इकबाल, अब्दुल लतीफ बाबा साहब, शब्बीर फारूकी साहब, अब्दुल जब्बार साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब से भी गुजारिश है इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। उनके वालिद साहब गालिबन यहाँ हैं, उनके वालिद साहब भी फ़ोटो फ्रेम में आ जाएं। उनके टीचर्स राइन शिफा इकबाल के बाद शेख अलकमा अफसर, शेख अलकमा अफसर, शेख अलकमा, सनाबी मोहम्मद हनीफ,
सनाबी मोहम्मद हनीफ। शुक्रिया शब्बीर फारूकी साहब आपका भी। फोटो बाकी है क्या सर? फोटो बाकी है। शुक्रिया। हमारी जो टीम है उसमें एक साथी को आज पोस्ट दी जा रही है, उनको महाराष्ट्र का सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, जनाब इब्राहिम बलबारी साहब जिनको महाराष्ट्र का सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। मैं इमरान भाई से गुजारिश करूंगा, लतीफ बाबा साहब से और जब्बार भाई जो चेयरमैन उनसे कि आप, हाँ कामले साहब कामरेड कि आप भी आए और इब्राहिम बलबारी साहब को टीम से जोड़े। वैसे वे जुड़े हुए थे लेकिन बाकायदा पोस्ट देकर के उनको महाराष्ट्र का सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। आप जाइए, आप ही को लेटर देना है। सभी का इस्तकबाल हुआ, सभी का शुक्रिया होगा, लेकिन जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से बड़े अच्छे अंदाज से प्रोग्राम चलाया है, मेरी मुराद सज्जाद सर से है कि उनका भी इस्तकबाल होना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। तो मैं जब्बार भाई से और इमरान भाई रुकिए आप से गुजारिश करूंगा कि आप सज्जाद सर का शुक्रिया अदा करें, उनका इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें। सज्जाद सर कहाँ गए? सज्जाद सर के लिए एक शेर है कि कलम न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, कलम न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जुबा नहीं होता, जहां भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। सर मुंबई में थे, वहां से प्रोग्राम को खत्म करके और भागते भागते आए घर पे, गए घर से डांट खाए कि आप फिर कहां जा रहे हो, बोले नहीं मुझे जाना है, और यहां पे आए। सर का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आपने जमाया बहुत अच्छे से। आप सबके लिए नाश्ते का भी इंतजाम है। मैं दीपक सर से गुजारिश करूंगा कि सर आप आए, आप हमारे मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, आए हुए तमाम लोगों का आप मीडिया के साथियों का सबका धन्यवाद करें। दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद। इकबाल सिद्दीकी जी, आज के इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जब्बार भाई जो कि ह्यूमन राइट्स के महाराष्ट्र के जो है चेयरमैन हैं, वो कई वर्षों से जो है इस तरह के कई कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो कि अभी हमारे कार्यक्रम से जा चुके हैं मनोज पाटिल साहब, हमारे मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष इमरान शेख साहब, विजय कामरेड साहब और तमाम जो है स्कूलों के मुख्याध्यापक, तमाम जो है विद्यार्थी और इसी के साथ साथ उनके अभिभावक इस कार्यक्रम में आए, मैं ह्यूमन राइट्स के तरफ से जो है उन सभी का जो है आभार व्यक्त करता हूं और हमारे तमाम मीडिया के साथी जो इस कार्यक्रम को जो है कवर करने के लिए आए, मैं उन सभी का जो है आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में एक YouTube चैनल जो भिवंडी के है, एक्सप्रेस न्यूज हिंदी भिवंडी में, उन्होंने 100 के यानी 1,00,000 सब्सक्राइबर उनके हो गए हैं, तो हम उनका यहाँ सत्कार करना चाहते हैं। उसके ताहिर भाई भिवंडी का पहला चैनल है जिसको 1,00,000 पूरे उनके सब्सक्राइबर हो गए, उनकी वीडियो कुछ मिलियन मिलियन में चलती है। आपकी भी ये जो आज के प्रोग्राम है उसको लोगों तक पहुँचाएंगे। मैं अरबाज भाई, जाकिर भाई, अयाज भाई, अनस भाई,
समदानी भाई से गुजारिश करूंगा पूरी टीम से कि ताहिर भाई को सत्कार करें। आज समदानी शाहरुख जाकिर भाई मैं भी हूं। ताहिर भाई के लिए एक शेर है जो इकबाल भाई ने मेरी नजर किया, तो मैं चाहूंगा कि आज का ये शेर जो है मौके के मुनासिबत से ताहिर भाई की नजर है कि शाख पे अब कोई पत्ता भी नहीं टिक सकता, शाख पे अब कोई पत्ता भी नहीं टिक सकता, धूप ऐसी है कि साया भी नहीं मिल सकता। ताहिर भाई आपके लिए मशवरा है, चलो नहर पर कब्जा कर लें। मशवरा है, चलो नहर पर कब्जा कर लें, भीख मांगोगे तो कतरा भी नहीं मिल सकता। मैं सभी से हमारे आशीर्वाद हिंदी स्कूल के दो स्टूडेंट जिनको राष्ट्रगान के लिए तैयार किया गया था, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम का समापन राष्ट्रगान से होगा, तो आप अपनी जगहों पर सभी लोग खड़े रहें, थोड़ी देर के लिए नाश्ता बंद कर दें साथियों, और हमारे जो दो स्टूडेंट हैं वो आगे आ जाएं। सभी लोग अपनी जगह पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। मैं देता हूं ना, मैं जरा सब लोग खड़े हो जाए ना, चूंकि डिस्टर्ब हो रहा है अभी, चूंकि हमारे देश का ये एंथम है, इसमें बहुत सम्मान के साथ खड़े होना रहता है। चूंकि प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, कोई बैठा रहे कल को वीडियो चल जाएगी तो फिर वो कहेंगे देखिए सम्मान नहीं हुआ है, इसलिए कि सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को नाश्ता पहुंचा दिया जाए। मैं एक बार फिर से ह्यूमन राइट्स की पूरी टीम को आवाज दूंगा कि आप आगे आ जाएं, और इस प्रोग्राम में कोई कमी रही हो तो मैं माफी चाहता हूं, इसलिए कि कोशिश की गई है बेहतर करने की, और अगर कोई गलती हुई है तो उसे माफ करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट ईयर इससे और बेहतर प्रोग्राम करने की कोशिश की जाएगी। मैं तमाम टीचर्स का बुला लो।